नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप थोड़ा इजी तरीके से हम डिजाइन बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो हम पहले 2 मिनट बातें कर लेंगे गीता लेडीज टेलर कटिंग की। जिन लोगों को भी कटिंग लेनी हो तो वैसे गीता लेडीज टेलर कटिंग है, वहां पे हम लोग 5 कटिंग देते, 1 टक्स देते, 4 टक्स देते, प्रिंस कट, कटोरी और बॉम्बे कटोरी, ऐसे 5 कटिंग हम लोग देते हैं एक ही साइज में। सपोज आपको अभी 34 को आपका लेना हो तो 34 में हम लोग 5 कटिंग देंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो अभी आपको लगा हम कहाँ से खरीदी करें, जो हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट का नाम है मैं लैपोज, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आपको सब टेलरिंग का सामान मिलेगा, सस्ता और सबसे अच्छा। तो प्लीज वहाँ से आप ध्यान देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेन ब्लाउज का ये लिया हुआ कपड़ा और अस्तर। पहले हम लोग अस्तर पहले फैला देंगे इसी तरह से, थोड़ा भी सिंपल में और बहुत अच्छा बताने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। पहले कभी भी ये स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं होगा तो स्केल से कर लेना है स्ट्रेट। यहाँ पे हम लोग क्या 28 साइज का ब्लाउज कटिंग करना है, 28 जैसे वैसे ही रखना है, इसमें कुछ करना है नहीं इसी तरह से, क्योंकि गीता लेडीज टेलर कटिंग में ऑलरेडी मार्जिन मैंने दी हुई है। और जिन लोगों ने भी कटिंग लिया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है। और ये 101% आपको ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही हमारा, तो वहां से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। खाली 6 से सुबह 10 से 6 बजे तक, बस उसके आगे मैं कॉल उठाने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ से हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अभी आपको अभी लग रहा है अभी कॉल उठाएंगे, तो यहाँ पे हमने बिना पैसे का ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप खोला है दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग पैसा नहीं लेते बिना इसके, खाली उसमें खाली हम लोग डाउट्स क्लियर करते, बाकी कुछ करते नहीं है। और जो भी आपको वीडियो देखना है जो यूट्यूब पर मेरा देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, यहाँ पे हमारा नेक होगा 3.5 का, तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, और ये 3 का 13 क्योंकि बड़ा नेक है हमारा गला, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 का 13 ले लेंगे, और जैसे है वैसे ही। ओके, सबके लिए 2 का ही लेना है इसी तरह से। तो यहां पे हम लोग थोड़ा राउंड शेप दे देंगे इसी तरह से, थोड़ा शेडो दिख रहा है ना मुझे इसी तरह से, ये मैं ऐसे करने वाली हूं। दोनों तरफ से देख रहे हैं परफेक्ट, और यहां भी हम लोग थोड़ा इसे राउंड दे देंगे इसी तरह से, और यहां पे हम लोग 1.5 इंच का अंतर रखेंगे। ये डिजाइन है दोस्तों, 1.5 इंच का रखना है हमें परफेक्ट माप के साथ ही। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसे राउंड दे देना है, इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग जरा कैनवस ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसे ले लिया हुआ है और ये कैनवस लिया हुआ है इसी तरह से। यहाँ पे ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा है, तो हमें इसे करना है क्रॉस में थोड़ा इसी तरह से, देख रहे हो, इसको हम ऐसे कर लेंगे परफेक्ट, और जैसे है वे वैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है जो शेडो हमारा, आप इसके साथ कौन सी भी आप डिजाइन यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं थोड़ा अलग डिजाइन बनाने वाली हूं मैं इसको, इसको ऐसे और इसको ऐसे, देख रहे हो इसी तरह से। अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे कुछ बढ़ाना नहीं है, जैसे वैसे ही कटिंग करना है। यहाँ पे हम लोग कैन मतलब कम कैनवस होगा उसके साथ भी हम डिजाइन इस पर कर सकते हो,
इसी तरह से इसको कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कट कर लिया, अभी इसको हम इसको साइड रख लेंगे कैनवस को, और कपड़ा जो हमारा मेन है वो ले लेंगे, इसको इसको ऐसे फैला देंगे इसी तरह से अच्छी तरह से, और जैसे है इसको वैसे ही पहले हम लोग कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली, अभी इसको थोड़ा साइड रख लेंगे और मेन नेक कट कर लेंगे हम इसी तरह से। लास्ट में हमें नेक कट करना है, पहले नहीं करना है तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए लास्ट में कट करना है, देख रहे हो इसी तरह से। ओके, और ये हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग मेन कपड़ा लेते हैं जो हमें डिजाइन करना है। वो मैंने जो मेन फैब्रिक ले लिया है तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे रखें क्रॉस में इसी तरह से रखना है, क्योंकि पूरा कपड़ा परफेक्ट आ जाता है। और इसको थोड़ा हल्का हल्का हम लोग इसको कपड़ा निकाल के इसे कट करके हल्का का पाव पंच, जैसे आप देख रहे हो ये वाला कपड़ा, तो हम इसकी पूरी कटिंग ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने कटिंग कर ली, आप देख रहे हो। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फेविकोल से चिपका लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे इसको फैला दिया हुआ, इसको फेविकोल से डॉट डॉट डालना है इसी तरह से, ज़्यादा नजदीक नहीं डालना है, दूर दूर डालना है, क्योंकि हमारी सिलाई बच जाती है, क्योंकि हमें डबल सिलाई करने में दिक्कत नहीं होती। ऐसे मैंने डॉट डॉट कर लिया हुआ है, आपको इसका वीडियो देखना होगा पूरा, तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो इसको हम ऐसे फैला देंगे और ये 2 मिनट के अंदर ही चिपक जाता है इसी तरह। चलो अभी हम इसकी स्टिच करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी इसको साइड रख लेते हैं हम, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, नेक वगैरह इसी तरह से, जो इसी तरह से पूरा हमें कट कर लेना है तो हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए, तो ये पूरा हम लोग कट कर लेते हैं लाइन से। हमने इसको पूरा इसे कट कर लिया, आप देख रहे हो, मैं उल्टा करके भी बता देती हूँ आपको इसी तरह से। अब इसको थोड़ा हम लोग साइड रख लेते हैं और मेन पार्ट ले लेते हैं, ये वाला जो हमने कट किया हुआ है इसको हम ऐसे रखना है। आप इसको अस्त्री से भी चिपका सकते हो और नहीं भी, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टिच कर लेंगे इसी तरह से पूरी लाइन में। कैनवस को लेके ही स्टिच करना है, एकदम अलग कोने कोने में इसी तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पे अस्त्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम चलो इसको पूरा ही इसी तरह से हम लोग स्टिच कर लेते हैं पूरे राउंड को। अभी यहाँ पे मैंने पूरा स्टिच कर लिया, आप देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग कट कर लेंगे, कपड़ा पूरा ही दोनों तरफ से ऐसे ही हम लोग कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसे रखना है हमें जैसे वैसे परफेक्ट। ओके, और कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से, ये वाली पाइपिंग यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको साइड रख लेते हैं और थोड़ा गोल्डन कपड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस में रखा है गोल्डन कपड़ा, और इसको हम लोग एक इंच जैसे हम लोग इसको कट करेंगे, एक इंच जैसे इसे कट कर लेना है। इसी तरह से, और इसको हम लोग एक साइड से हम लोग सिलाई कर लेंगे पहले, वन साइड। यहाँ पर हम लोग पहले इसको हल्का सा पाइपिंग लगा लेंगे, थोड़ा ही रंग लगाना है हमें, ज्यादा नहीं लगाना है। इसको हम लोग इसे कट कर लेते हैं, आधा ही में ही लगाना है, पूरा नहीं लगाना है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसे कट कर लेंगे, राउंड है हमारा इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पाइपिंग लगा लेते हैं, ये पूरा हमारा नेक में पाइपिंग आ जाएगा, क्या आधा हमें पाइपिंग लगेगी नहीं, पूरी लगेगी। फिर इसको हम ऐसे करेंगे, इसी तरह से दूरा कट कर लेते हैं।
मैंने कट कर लिया, आप देख रहे हो। अभी हम यहाँ पे मेन कपड़ा ले लेते हैं, इसको थोड़ा हम लोग स्ट्रेट कट करते हैं। दो इंच जैसा कट करना है हमें, 2 इंच इसी तरह से यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है। इसी तरह से और ये वाला पार्ट हमें ऐसे करना है और यहाँ पे हमें सारी चुनट लेके जाना है। बस थोड़ा सिलाई बढ़ा ही लेना है हमें और एक जैसे हमें यहाँ पे चुनट लेते जाते हैं। अब इसकी फैशन है अभी दोस्तों। इसी तरह से हमें चुनट लेते जाना है। यहाँ पर मैंने पूरी चुनट ले ली, आप देख रहे हो इसी तरह से एक जैसे ही। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हम और जैसे है इसको वैसे ही रखते जाना है। और यहाँ पे थोड़ी हमें कच्ची सिलाई मार लेनी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पाइपिंग लगाने वाले हैं, कच्ची सिलाई मारनी है, परफेक्ट लेना है। इसी तरह से क्योंकि हमारा राउंड परफेक्ट आ जाता है इसी तरह से। और यहां से हम पूरी यहां पे सिलाई ले लेते हैं। कोने में लेना है सिलाई तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमें यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। अभी यहाँ पर हम लोग पाइपिंग का ये ले लेते हैं दो कपड़ा और पूरी यहाँ पे हमें ऐसे ही जैसे है वैसे ही गोल्डन पाइपिंग लगा लेनी है इसी तरह से। पूरी तरह हम लोग सिलाई मार लेते हैं। ये पूरा ढक जाता है। कपड़ा हमें थोड़ा भी यहाँ पे खींचना नहीं, जैसे वैसे ही रखते जाना है इसी तरह से। और जहाँ पे राउंड है यहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं, यानी कि हमारी पाइपिंग उल्टी गिरेगी नहीं सिलाई को छोड़ के। यहाँ पर हम लोग दोरा ले लेते हैं पाइपिंग वाला और पाइपिंग लगा लेते हैं। अच्छी तरह से लगाना है। और कोने में सिलाई मारते जाना है बस। ये अपने आप पतली आ जाती है पाइपिंग, देख रहे हो। इसी तरह से पूरी हम लोग गोल पाइपिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप पाइपिंग ऐसी गिर रही है तो हमें डरने का नहीं, ऐसे करना है। इसको डबल सिलाई मार लेनी है यानी हमारी पाइपिंग उल्टी गिरेगी नहीं इसी तरह से। एक जैसे ही मारनी है और यहाँ पे हम दोरा चेंज कर लेते हैं, डबल सिलाई मार लेते हैं। इसी तरह से अभी यहाँ पर हम लोग परफेक्ट ले लेना है। अभी यहाँ पे हम लोग झालर ले लेंगे यह वाला पार्ट और इसको हम ऐसे रखना है जैसे है वैसे ही अंदर से ही लेते जाना है। इसी तरह से कोने कोने में सिलाई लेते जानी है दोस्तों।
इसी तरह से पूरी सिलाई हम लोग मार लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई मार ली है, जो एक्स्ट्रा होगा वो पार्ट हमें इसे कट कर लेना है। कपड़े को नीचे छोड़ के रहे तो वो भी कट हो जाएगा आपका कपड़ा, तो इस बात का अपने ध्यान देना है, जो एक्स्ट्रा है वो इसे कट कर लेना है। ओके, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फिनिशिंग। यहाँ पर हम लोग एक लेस ले लेते हैं जाके, ये हमारी यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन पे। यहाँ पे मुझे लेस लगवाना है इसलिए मैं लेस लगवा रही हूँ यहाँ पे। और लेस लगाते समय थोड़ा टाका हमें थोड़ा बड़ा ही चाहिए, छोटा टाका नहीं चाहिए दोस्तों। इसी तरह से इसे लगाते जाना है और इसको इसे ढकते जाना है। ये इजी भी गिर जाता है और दिखने में भी सुंदर होती है, और ये लेस जैसे वैसी हो जाती है। इसी तरह से तो यहाँ पे हम पूरी लेस नेक को लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी लेस लगा ली हुई है। अभी यहाँ पे हम लोग पहले टक्स पॉइंट लगा लेंगे इसी तरह से, नहीं तो ये कपड़ा ऐसे हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे इसे टक्स पॉइंट लगा लेना है, इसको एकदम परफेक्ट लगा के लेके थोड़ा आगे पीछे दोनों साइड ऐसे ही हम लोग टक्स पॉइंट लगाना है। अभी यहाँ पर हम लोग कमर पट्टी लगा लेते हैं। मैंने कपड़ा लिया हुआ है दोस्तों, देख रहे हो। अभी इसको हम लोग ऐसे करेंगे, उल्टे से सीधा जाएंगे और इसे पट्टी लगाना है कमर पट्टी को। ये कवर सिलाई हो जाती है और हमें यहाँ पे चुभता भी नहीं है। इसी तरह से इसको ऐसे करना है, एक इंच जैसा कटिंग करना है, एक डेढ़ इंच, ज़्यादा नहीं कटिंग करना, एक डेढ़ इंच जैसा बस, और इसे हमें लगाना है। देख रहे हो इतना, ये बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। अभी हम इसको फिनिशिंग कर लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं। मैंने आयरन से कैसे बना दिया मैंने ये ब्लाउज परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे कुंदन ले लूंगी यानी स्टोन। साड़ी में थोड़ा रेडिश है इसलिए मैं यहाँ पे ये लेने वाली हूँ, और दिखने में भी एकदम अच्छा दिखता है और सुंदर लगता है, कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। इसी तरह तो आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।